हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एसक्यूएल सर्वर के अंदर ड्रॉप कमांड की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एसक्यूएल सर्वर में इसे कैसे यूज किया जाए। तो सबसे पहले तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करना होगा। तो यहां पे एसक्यूएल जैसे ही टाइप करते हैं तो यहां देखिए एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो शो हो जाएगा। ये 2019 है, इसका कम्युनिटी एडिशन हमारे पास है, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, इसे कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। किससे? इंटरनेट से। तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट भी रहना है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो चला रहे होंगे उस वक्त आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। अब ये बॉक्स आएगा तो यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा और अब इस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डाटाबेस दिखाई दे रहा है। तो जो भी डाटाबेस आपके पास है इसमें से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, तो इसी को लेंगे और यहाँ पर आपको टेबल दिखाई देगी। ये देखिए, ये टेबल है हमारी, नीचे टेबल बनी हुई है, ये पहले से मैंने बना रखा है। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके और एडिट टॉप 200 रूल्स पे जाएंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसमें कुछ रिकॉर्ड भी फिल किए गए हैं। ठीक है, अब हमको एक क्वेरी बनानी है। ठीक है, क्वेरी कहाँ से बनाएंगे? तो यहाँ पे न्यू क्वेरी पे जाएंगे और यहाँ से हम क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या कराना है, एक कॉलम को ड्रॉप कराना है। क्या कराना है? कॉलम को ड्रॉप कराना है। तो कॉलम को ड्रॉप कराने के पीछे प्रोसीजर क्या है, कैसे कॉलम ड्रॉप होगा? ठीक है, सवाल यही है कि कैसे ड्रॉप किया जाए कॉलम को। तो जैसे आप MySQL के अंदर करते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ड्रॉप का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी आपको यूज करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ बातों का आपको बस ध्यान रखना है, बस यहाँ पे शुरू करिए अल्टर से। क्या शुरू करना है? अल्टर से, ALTER अल्टर, और टेबल का नाम देना है। तो अल्टर टेबल, और फिर टेबल का नाम हमारे क्या है, स्टूडेंट टेबल वन, यही है ना। तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा स्टूडेंट टेबल वन, लिख दिया। अब आपको एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करके और क्या करना है, यहां पे ड्रॉप कॉलम TOLUMN, और कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है हमें, तो हमें ड्रॉप करना है यहां पे देख सकते हैं। ये एक बार फिर से इसे दिखा देता हूं, ये टॉप 200 मूव करके, जैसे मान लीजिए क्लास वाला कॉलम है ड्रॉप करना है। ठीक है, तो क्लास वाले कॉलम को ड्रॉप करने के लिए क्या करना है, यहां पे जाना है ड्रॉप कॉलम क्लास। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेशन देना है और बस इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक्सिक्यूट कर डालिए। तो जैसे ही एक्सिक्यूट करेंगे तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि हमारा जो क्वेरी है वो रन हो चुका है। अब इसको देखने की बारी है कि हमारे इस क्वेरी के रन होने से रिजल्ट क्या आया। फिलहाल तो ये ऐसा दिखता था, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉलम बने हुए, रजिस्ट्रेशन आईडी है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, क्लास है और सिटी है, यही है ना। इसके बाद जब ये चला तो इसका रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम जो भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही है टेबल का नाम। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको टर्मिनेशन दे देंगे, और टर्मिनेशन दे करके यहाँ से एक्सिक्यूट करेंगे तो ये चल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक्सिक्यूट कीजिए तो ये चल जाएगा। और ये चलने के बाद देखिए इसमें से एक कॉलम गायब है, और वो कौन सा कॉलम है जरा देखिए, यहाँ पे क्लास वाला कॉलम गायब है क्योंकि हमने क्लास को ही तो ड्रॉप करवाया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास को ही तो यहाँ पे ड्रॉप किया है हमने, तो यहाँ से क्लास गायब हो गया। तो इस तरीके से आप MySQL के अंदर तो करते ही थे, एसक्यूएल सर्वर में भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब मान लीजिए इसके बगल में स्टेट को कराना है, ठीक है, इंसर्ट कराना है स्टेट को, तो कैसे इंसर्ट करेंगे? तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, वापिस वही अल्टर चलाएंगे। तो ये लिखा अल्टर और टेबल, तो टेबल का नाम क्या है, वही टेबल का नाम जो हमारे है वो यहाँ पे दे देते हैं और एंटर करके नीचे आएंगे। देख लीजिए एकदम बिल्कुल सेम आपको यही करना है, जब भी क्वेरी पूछी जाए तो क्वेरी इसी तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाने के बाद यहाँ पे एड लिखिएगा, और यहाँ पे चूंकि कॉलम एड करना है तो यहाँ कॉलम का नेम सीधा सीधा लिख दीजिएगा। कॉलम ना लिख करके सीधा सीधा कॉलम का क्या लिखना है, नेम लिखना है। तो कॉलम का नेम जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं, सपोज कीजिए स्टेट, STATE, ये स्टेट दे दिया, और स्टेट का डेटा टाइप मेंशन करना है। यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, और ये इतना सेलेक्ट करके और यहाँ से एक्सिक्यूट कर देंगे। और एक्सिक्यूट करने के बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कमांड जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद क्या है कि यहां से जब आप सेलेक्ट करेंगे इसे, देखिए सेलेक्ट तो ऊपर लिखा ही हुआ है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक्सिक्यूट कर दीजिए। तो जैसे ही एक्सिक्यूट करेंगे तो यहाँ देखिए स्टेट भी आ चुका है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें रिकॉर्ड फिल करना है, कैसे ये फिल होगा तो वो एक अलग मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी कमांड चलाने होंगे। तो किस तरह का कमांड चलाना होगा, देखिए यहां पर क्या करेंगे,
डेट लिखिएगा UPDAT अपडेट हो गया, फिर यहाँ टेबल का नाम दे दिया, अब एंटर करके नीचे आइए, किसको अपडेट करना है बेटा, तो यहाँ सेट करना है, क्या सेट करना है, तो हम ये चाहते हैं ना जो भी कॉलम हमने यहाँ पे ऐड कराया, जैसे स्टेट है ना STATE, तो यहाँ स्टेट आ गया, स्टेट इज इक्वल टू कर देंगे, इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, यूपी लिख देते हैं, यूपी, ठीक है, तो स्टेट इज इक्वल टू यूपी, और यहाँ पे वेयर कंडीशन भी दे सकते हैं आप, आगे भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो यहाँ कंडीशन दे दीजिएगा वेयर, अब देखिए वेयर दे दिया, अच्छा वेयर जब लिखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ गैप दे दीजिएगा, कभी कभी ये एरर का कॉज बन सकता है अगर आप गैप नहीं देते हैं तो, ठीक है, वेयर लिख दिया, अब वेयर में क्या देंगे, तो वेयर में हमको देखना होगा कि हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन आईडी, अच्छा गैप देके लिखना है, ये भी चीज ध्यान देनी है, वेयर रजिस्ट्रेशन आईडी, तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया, रजिस्ट्रेशन आईडी इज इक्वल टू वन कर देते हैं, वन कर दिया, अब यहाँ पे टर्मिनेशन देंगे, और अब इसको यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करके और यहाँ से एक्सिक्यूट कर देंगे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे सिंगल डॉटेड कॉमा रहेगा, डॉटेड कॉमा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सिंगल ही लगाइएगा, डॉटेड कॉमा ना लगाइएगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा एसक्यूएल सर्वर में और MySQL में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे गए, अब देखिए वन रो अफेक्टेड हो गया, अब आप जब जाएंगे वहां पर देखिए ये आ गए सेलेक्ट वाले पे, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और जब एक्सिक्यूट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे यूपी फिल हो गया, ठीक है, अब आपको बार बार जो है अलग से क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, यही पर आप चेंज करते चलिए, अब यहाँ पे कर देते हैं बिहार, एगो लिख देते हैं, ये हो गया बिहार, ठीक है, तो बिहार लिखने के बाद अब यहाँ से जाइए इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक्सिक्यूट करिए, फिर ये हो गया, तो अभी फिर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए, तो देखिए एक तो सॉरी इसी में बिहार दे दिया मैंने गलती से, ठीक है, तो ये अपडेट कर दिया इसी को, क्योंकि हमको यहाँ पे चेंज करना चाहिए था रजिस्ट्रेशन आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी तो चेंज किया नहीं, चलिए इस बार रजिस्ट्रेशन आईडी 2 करते हैं और यहाँ पे यूपी कर देते हैं इस बार चेंज, ठीक है, तो ये लीजिए ये हो गया यूपी, तो अब यहाँ पे यूपी आएगा, तो एक्सिक्यूट किया तो देखिए ये यहां से इस तरीके से सेलेक्ट करके और तब एक्सिक्यूट करेंगे, तो ये देखिए ये एक्सिक्यूट हो गया और वन रो अफेक्टेड हो गया, यानी कि अब अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको, ये देखिए ये सेलेक्ट किया और जब चलाएंगे तो देखिए पहले में बिहार, दूसरे में यूपी, अब तीसरे में करना है तो यहां से खाली आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके और थ्री कर देना है, थ्री कर दिया, और फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके और इसका भी यहाँ पे एमपी कर देते हैं, एमपी, तो स्टेट एमपी हो गया, तो जब एक्सिक्यूट करेंगे, अच्छा एक्सिक्यूट ऐसे नहीं करना है, ये पूरा सेलेक्ट करके करिएगा, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा, तो देखिए फिर ये अफेक्टेड हो गया, और फिर देखेंगे तो यहाँ पर भी अलग वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, यहाँ एमपी तक आ चुकी है, दो और बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये कर दिया और हिमाचल प्रदेश करके अब इसको फिर एक्सिक्यूट कर डालिए यहाँ से, तो ये एक्सिक्यूट हो गया, वन रो अफेक्टेड हो गया, अब आप फिर देख लीजिए यहाँ पर कि ये अपडेट हुआ या नहीं, तो देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ चुका है, ठीक है, सेम पे कर दिया है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं 4 और यहाँ पे कर देते हैं अरुणाचल प्रदेश, और तो ये इस तरीके से आपको करना है, अब यहाँ से 4 वाले का ये अपडेट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 वाला अपडेट हो गया, इसी तरीके से 5 भी करना है आपको, जब देखेंगे तो यहाँ पे 4 वाले में ये अपडेट हो चुका है, देखिए 4 वाले में अरुणाचल प्रदेश आ गया है, देख रहे हैं, और अब यहाँ पे चेंज करेंगे ये, अब यहाँ पे 5 कर देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एमपी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, एमपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये हटाया इसको और यहाँ पे एमपी हो गया, अब देखिए इसको चला गया, देखिए जब भी करना तो पूरा ये सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, और तब एक्सिक्यूट कीजिएगा, तो ये हो गया, अब इसका देखिएगा तो ये पूरा अपडेट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको करना है, आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड नेटवर्क सॉल्यूशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।